अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के बारे में हम रिलेशन निकालेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स, आपको पहले डाइपोल के बारे में कंसेप्ट होना चाहिए। डाइपोल का कंसेप्ट सीखने के लिए अभी हम बोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कर लें, आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव है और इसके दरमियान डिस्टेंस डी है, तो ये आपका डाइपोल है। अ पेयर ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज विच हैव अ सेम मैग्नीट्यूड and a distance d is between them, it is called a dipole. तो हम अभी एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर P. बेसिकली हम इस पॉइंट पर ड्यू टू दीज चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज के पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट को रिपेल करता है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के ऑपोजिट है, तो इट मीन्स के नेगेटिव चार्ज इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब हम इन दो फोर्सेस को मैं कंपोनेंट में डिवाइड करना चाहता हूं। मैं इनके z कंपोनेंट, x कंपोनेंट बनाऊंगा या xy कंपोनेंट्स में इसे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सपोज कि ये इसके दो कंपोनेंट्स बन चुके हैं, ये कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस था आपके पास d, और यहां से यहां तक का होगा डी बाई टू, और डेफिनेटली ये भी डी बाई टू होगा। और इसका यहां से लेके यहां तक का फासला क्या है, वो लेट्स सपोज x है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे फाइंड करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जी एक्सिस। दो कंपोनेंट्स हमने ले लिए, हम एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे और जी कंपोनेंट आप यहां पे वाई कंपोनेंट भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स कंपोनेंट फाइंड करते हैं। अच्छा, अगर x कंपोनेंट की बात की जाए, अगर पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल करता है तो नेगेटिव इसे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। अच्छा, ये आपका जो चार्ज है, ये डिस्टेंस और चार्ज के दरमियान जो आपका एंगल बन रहा है वो थीटा, और इधर भी बन रहा है थीटा। लेट्स सपोज कि यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस आर है और ये भी आर है। अब आपको ये भी आप जानते हैं कि ये जो एंगल है इसके सामने जो भी सामने आपका एल्टीट्यूड होता है और इसके साथ आपका बेस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। फर्स्ट वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट। अब क्योंकि ये एल्टीट्यूड है और एल्टीट्यूड कंपोनेंट के लिए हम साइन यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव है। हमने शुरू में बात की थी डाइपोल में कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, तो इट मींस कि जितनी मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से है उतनी ही आपकी नेगेटिव की वजह से, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव वो नेगेटिव के बराबर होगा। तो यहां पर हम ई नेगेटिव की जगह पर भी पॉजिटिव लिख सकते हैं, प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है और यहां पर भी साइन होता है। दोनों इक्वेशंस के दरमियान अगर आप देखें तो माइनस है, तो ये दोनों आपस में, ये प्लस बेसिकली क्या है, ये प्लस आपका बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ गया, जीरो। अब हम बात कर लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी जी एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z-axis, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z-axis की बात करें तो आपको पता है बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो रिलेशन है वो देता है cos of theta, तो cos of theta e due to positive charge cos of theta plus e due to negative charge cos of theta, यहां पे माइनस आना चाहिए। यहां हमने ये भी बात की है अभी कि e पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में बराबर है e नेगेटिव के, तो आपका जो z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 2e cos of theta। ये रिलेशन से हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अलोंग z एक्सिस की हम बात कर रहे थे, वो आया था 2e cos of theta, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग z एक्सिस है। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड e जो है वो होता है 1/4π एप्साइलन क्यू ओवर आर स्क्वायर। हम यहां से
ए की कीमत तो हमने फाइंड कर ली है, लेकिन हमने कॉस के मतलब भी तो रिलेशन निकालनी है ना। इसको इक्वेशन वन कहते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर टू कह लेते हैं। अब टू इक्वेशन में से ए की वैल्यू ये है और कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा बेसिकली आपका रिलेशन देता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के मोबाइल, तो आपका आ जाएगा बेस आपकी क्या है डी बाई टू और हाइपोटेन्यूज है आर। अब इन दो इक्वेशंस को आगे बढ़ाने के लिए हमें आर की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि हमने इसे कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड किया था, अब हम इसे कॉम्पोनेंट की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो आर आपको पता है आपका क्या है, आर आपके पास है स्टूडेंट्स, आर आपके पास है हाइपोटेन्यूज, तो आर स्केयर हमें पता है वो बराबर होता है बेस स्केयर प्लस एल्टीट्यूड स्केयर। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डी बाई टू स्केयर प्लस एक्स स्केयर एंड इट्स अंडर रूट। तो हम पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन टू, हम तमाम इक्वेशंस को पुट करते हैं टू में, तो अलोंग जी एक्सिस वो बराबर आ जाएगा टू ई। ई आपका किसके बराबर है, आपका आया था वन ओवर फोर पाई एप्साइन क्यू ओवर आर स्केयर, लेकिन हमने आर के लिए भी रिलेशन फाइंड कर लिया है, आर स्केयर के लिए आपका रिलेशन है डी बाई टू का स्केयर प्लस एक्स स्केयर। साथ में आपके पास आ रहा है कॉस थीटा, कॉस थीटा का रिलेशन हमने निकाला था डी बाई टू ओवर आर। अब आर का रिलेशन भी हमने फाइंड किया हुआ है, वो मैं यहां से डायरेक्ट पुट करता हूं। लीजिए ये आपका जो टू है कि इस टू से डिवाइड हो जाएगा। अभी इस रिलेशन को थोड़ा चेंज करते हैं, फोर पाई एफ साइन और देखें इसका नॉमिनेटर के ऊपर प्रोडक्ट आ जाएगा ना क्यू मल्टीपल ऑफ डी, डिनोमिनेटर में देखें ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी पावर अंडर रूट है ना, अंडर रूट में इसके वन बाई टू पावर है और इसकी वन है, तो दोनों को हम एडअप कर देते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है डी बाई टू एंड इट्स पावर टू प्लस एक्स स्केयर एंड इट्स पावर वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू प्लस वन हमें पता है थ्री बाई टू होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर थ्री बाई टू। अब आप जानते हैं कि आपका मोमेंटम डाइपोल मोमेंटम किसके बराबर होगा, द डाइपोल मोमेंटम बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ अ सेम मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंटम। तो आपका चार्ज और डिस्टेंस डी के दरमियान प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंटम, और डाइपोल मोमेंटम को हम जाहिर करते हैं पी। अब क्यू डी हमने बात की अभी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आपके पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंटम होता है, और इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं फोर पाई एप्साइलॉन आर, यहां पर आपका डाइपोल आ जाएगा डी बाई टू का स्केयर प्लस एक्स स्केयर थ्री बाई टू, जी है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जी एक्सिस। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, इक्वेशन वन बिकम्स, अगर इक्वेशन वन में हम देखें तो वहां पर हमारे पास था अलोंग जी एक्सिस जो कि आपके पास ये है फोर पाई एप्साइलन नॉट पी ओवर डी बाई टू प्लस एक्स इट्स स्केयर एंड इट्स स्केयर एंड इट्स होल पावर इज थ्री बाई टू, और आपका जी कंपोनेंट, सॉरी ये हमने एक्स कंपोनेंट पहले लिख लिया है, एक्स जी कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट आपके पास क्या था वो जीरो था, तो जीरो प्लस करना है तो इट मीन्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स दो मजीद, यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन हो सकती है, लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं कि x इज वेरी 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 ग्रेटर देन d, आपका ये वाला डिस्टेंस बहुत बड़ा है d की बनिस्बत, तो क्या होगा d नियरली इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन इस कंडीशन में क्या बनने वाली है, वो है वन ओवर फोर पाई एप्साइलन नॉट p ओवर d, आपका जीरो हो जाएगा और x स्क्वायर एंड इट्स पावर थ्री बाई टू, ये पावर इस पे डिवाइड हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा वन ओवर फोर पाई एप्साइलन नॉट पी ओवर एक्स एंड इट्स पावर इज थ्री। इट्स अ फाइनल रिजल्ट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अगर आप इस तरह के मजीद लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।